नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टूथ एक यानी कि दांत दर्द की समस्या के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, एक ऐसे कॉम्बिनेशन, एक ऐसी कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको दांत दर्द में तुरंत आराम मिले, आपके दांत में जो दर्द हो रहा है उसमें, उस पीड़ा में, उस समस्या में आपको इमिडिएट रिलीफ मिले, ऐसी दवाओं के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दांत में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। यह आमतौर पर अपने आसपास में देखा जा सकता है कि किसी को, किसी भी मरीज को दांत में दर्द हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि मरीज जो है वो डेंटल हाइजीन जो है, ओरल हाइजीन है, उसको मेंटेन नहीं करते, यानी कि दांतों की सफाई निरंतर तौर पे नहीं करते, ब्रश नहीं करते, रात को सोते वक्त ब्रश की हैबिट नहीं है। बच्चों में भी ऐसा देखा गया है कि बच्चे रात को चॉकलेट खाते हैं या चिप्स खाते हैं या किसी प्रकार का कोई फूड आइटम खा रहे हैं और उसके इमीडिएट बाद में सो गए, तो ऐसा करने से फूड पार्टिकल जो है वो दांतों के आसपास, दांतों के बीच में लॉज हो जाते हैं, फंस जाते हैं और ये फूड पार्टिकल धीरे धीरे पूरी रात जब यह खाना या फूड पार्टिकल फंसा रहता है तो यह फूड पार्टिकल सड़ने लगता है, साथ ही साथ इसमें बैक्टीरियाज डेवलप होने लगते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके दांत को भी सड़ाते हैं, दांत को खराब करते हैं, जिसको आमतौर पर हम लोग कीड़ा लगना बोलते हैं। यह कीड़ा नहीं है, यह दांत का सड़ना है, डिकिंग ऑफ द टीथ है। ऐसा होने से आपको दांत में दर्द हो सकता है, दांत के जो इनेमल है वो सड़ जाता है, दांत अपने पूरी डेप्थ तक भी कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरी गहराई तक वो सड़ गया है, खराब हो गया है और आपको अल्टीमेटली डेंटिस्ट के पास जाके रूट कैनाल या जो भी आगे प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको करवाना पड़ गया है, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि आपको दांत दर्द में आराम दे सकती है, इमीडिएट रिलीफ दे सकती है। लेकिन अगर आपका दांत काफी डेप्थ तक सड़ गया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दांत दर्द के लिए होम्योपैथिक दवा जरूर यूज करें, लेकिन अगर गहराई तक सड़ा हुआ दांत है और दांत आपके खराब हो गए हैं तो एक बार डेंटिस्ट को विजिट जरूर करें, डेंटिस्ट को दिखाएं, डेंटिस्ट की सलाह से जो भी उनको बेस्ट ट्रीटमेंट लगता है वो ट्रीटमेंट आप जरूर लें। ये दवाएं सिर्फ आपको दांत दर्द में आराम देने के लिए है, साथ ही साथ ये दवाएं अगर सुपरफिशियली कहीं पे दांत थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खराब हो गया है या मसूड़े थोड़े बहुत लूज हो रहे हैं दांत के आसपास में, अगर इन्फेक्शन की वजह से, सुपरफिशियल इन्फेक्शन की वजह से आपको दांत दर्द हो रहा है तो उसमें यह परमानेंट रिलीफ दे सकता है। लेकिन गहराई तक अगर छेद हो गया है, डिकेइंग हो गई है, सड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसी कंडीशन में आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन ये दवाएँ आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकती है, कुछ समय के लिए आपके दांत दर्द को कंट्रोल कर सकती है, अगर दांत पूरी तरह से सड़ चुका है तो ऐसी कंडीशन में मदद कर सकती है। तो बात करते हैं होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाएं हैं जो आपको मदद करेंगी। सबसे पहली जो दवा है वो है बायो कॉम्बिनेशन 23 नंबर, BC23 के नाम से ये टेबलेट्स आती है। इस दवा के अंदर 2 से 3 मेडिसिन ऐसी डली हुई है जो कि आपके दांत के दर्द को, न्यूरलजिक पेन को, विशेष करके दांत की दर्द की वजह से आपको जो पेन रेडिएट करता है दांत से लेकर, जबड़े से लेकर आपका जो दर्द है सिर तक जाता है या गर्दन तक जाता है या आंख तक तक जो है ये रेडिएट करता है, इस प्रकार के दर्द को यह रिलीफ करने में मदद करता है। BC23 मेडिसिन का आपको 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम और रात, दिन में 4 बार इसका उपयोग करना है। यह एक चूसने की दवा है, इस दवा का उपयोग आपको दिन में 4 बार करना है, 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार लेंगे। ऐसा करने से आपको दांत दर्द में आराम मिलेगा, आसपास की मांसपेशियों में भी रिलैक्सेशन मिलेगा जिससे कि मांसपेशियां रिलैक्स होगी और आपको दर्द को रिलीफ करने में मदद मिलेगी। दूसरी जो दवा बता रहा हूँ यह 3 से 4 मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है। इस दवा का उपयोग मैं अपने क्लिनिक पे रेगुलरली करता हूँ, जो भी दांत दर्द के पेशेंट आते हैं उनको दांत दर्द में आराम देने के लिए मैं इस दवा का उपयोग करता हूँ। इस कॉम्बिनेशन में 4 दवाएं उपयोग में लाई जाती है। सबसे पहली दवा है बेलाडोना क्यू,
बेलाडोना क्यू एक ऐसी दवा है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के साथ होती है। यह आपके किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में, रिड्यूस करने में मदद करती है। किसी प्रकार की सूजन और दर्द को भी यह आराम देती है। दूसरी जो दवा है वो है इचिनेशिया क्यू। इचिनेशिया क्यू मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि इचिनेशिया क्यू एक प्रकार की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के साथ दवा है। इस दवा का उपयोग काफ़ी सारी इन्फेक्शियस कंडीशन में किया जाता है, तो इचिनेशिया क्यू का भी आपको उपयोग करना है। तीसरी जो दवा है वो है क्रियोसोट क्यू, और चौथी जो दवा है वो है प्लांटेगो क्यू। ये दोनों दवाएँ दांत दर्द के लिए, विशेष करके दांत के सड़न को, दांत के जो होलो ऑफ द टीथ है यानी कि दांत के अंदर जो गहराई तक दर्द सड़न हो गई है या सुपरफिशियली जो सड़न हो गई है, दांत की जो सड़न है उसको रिमूव करने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर बेलाडोना क्यू, इचिनेशिया क्यू, क्रियोसोटम क्यू और प्लेंटेगो क्यू, इन चारों दवाओं का आपको बराबर बराबर मात्रा ले लेना है। आप किसी भी बड़ी बोतल में 100 से 150 ml की एक बड़ी बोतल में 30-30 ml इन चारों दवाओं का मिला लीजिए। इन चारों दवाओं को बराबर मात्रा में मिक्स करने से एक प्रकार का कॉम्बिनेशन, एक प्रकार का मिक्सर बन जाएगा। इस मिक्सर का आपको 40 बूंद करीब 1 कप गुनगुने पानी में डालना है, और डाल करके आपको सुबह, दोपहर, शाम और रात दिन में 4 बार इस दवा का कुल्ला करना है। इस दवा का उपयोग जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आपको दर्द सीवियर हो रहा है तो आप 10-10 मिनट के अंतराल से 2 से 3 बार भी कुल्ले कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको 30 मिनट के अंदर ही पूरा दांत दर्द में बिल्कुल पूरी तरह से आराम हो जाएगा। और इस दवा का उपयोग रेगुलर बेसिस पे अगर करना चाहें तो दिन में 4 बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने 1 कप पानी में डालकर यूज करना बताया, वैसे ही आप इसका उपयोग करें। इस दवा को निगले बिल्कुल नहीं, इस दवा को कुल्ला करके आपको थूकना है, इसको स्पिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों दवाओं का, दोनों कॉम्बिनेशन का, एक तो BC23 और दूसरा ये जो चार मेडिसिन, चार मदर टिंचर का जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, इसका आपको उपयोग करना है। ये दोनों जो मेडिसिन है इनको आपको कम से कम 10 से 15 दिन रेगुलर यूज करना है। और कुछ ऐसी कंडीशंस में जब आपको इसमें आराम मिलता रह रहा है या आपको रेगुलरली रिलीफ हो रहा है, तो आप इस दवाओं का उपयोग थोड़े लंबे समय के लिए, यानी कि मान के चलिए आप 1 से 2 महीने भी इसको लगातार उपयोग में ला सकते हैं। दवाओं के उपयोग के साथ साथ आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी फॉलो करने चाहिए। मेरा ये आपको पर्सनल एडवाइस है कि आप डेंटल हाइजीन को, आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करिए। कुछ भी अगर खाते हैं तो उसके तुरंत बाद कुल्ला जरूर करिए साफ पानी से, और रात को सोते वक्त ब्रश जरूर करें। ब्रश आपको सुबह भी करना है और रात को सोते वक्त भी ब्रश की आदत डालनी है। ऐसा करने से आपको फर्दर इस प्रकार की समस्या, आगे भविष्य में इस प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। मेरे द्वारा दी गई यह टूथेक के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।